दोस्तों आज की वीडियो में जानेंगे 2023 में सावन मास में पुत्रदा एकादशी कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, पूजा सामग्री, व्रत के नियम और पारण। हिंदू धर्म में ऐसे तो हर महीने की एकादशी तिथि का महत्व होता है, लेकिन सावन मास की एकादशी तिथि का महत्व बढ़ जाता है। एकादशी तिथि का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। मान्यता है कि एकादशी तिथि का व्रत करने पर सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। साल में दो बार पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाता है, पहला पौष माह में और दूसरा सावन के महीने में। सावन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत 27 अगस्त दिन रविवार को रखा जाएगा। इसे पवित्रा एकादशी भी कहते हैं। मान्यता है कि इस दिन निसंतान दंपत्ति व्रत रख के श्री हरि विष्णु जी की पूजा विधि विधान से करते हैं तो जल्द योग्य संतान की प्राप्ति होती है। सावन पुत्रदा एकादशी तिथि। सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत 27 अगस्त 2023 को रखा जाएगा। यह व्रत रक्षाबंधन से 4 दिन पहले रखा जाता है। जिन दंपतियों को कोई पुत्र नहीं होता उनके लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सावन पुत्रदा एकादशी 2023 का मुहूर्त। पंचांग के अनुसार सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 27 अगस्त 2023 दिन रविवार की सुबह 5:02 पर होगी और इसी दिन रात्रि 10:45 पर एकादशी तिथि का समापन होगा। इस दिन त्रिपुष्कर योग का निर्माण हो रहा है, इसके साथ ही सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। ये दोनों योग रात 2:26 तक रहेगा। सावन पुत्रदा एकादशी 2023 व्रत पारण समय। सावन पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण 28 अगस्त 2023 को सुबह 5:57 से सुबह 8:31 तक किया जाएगा। द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय 28 अगस्त शाम 6:22 पर। पुत्रदा एकादशी व्रत पूजा विधि। इस दिन सुबह उठकर स्वच्छ जल से स्नान करें, फिर धूप दीप नैवेद्य आदि 16 सामग्री से भगवान विष्णु जी की पूजा करें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। इसके बाद भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी अवश्य ही रखें। भगवान को भोग लगाएं। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। इस दिन रात को दीपदान करें। इसके बाद भगवान विष्णु का भजन कीर्तन और ध्यान करें। भगवान विष्णु की आरती करें। पूजा की सामग्री। पूजा की सामग्री में पान, लौंग, सुपारी, कपूर, पीला चंदन, अक्षत, पानी से भरा नारियल, पंचमेवा, कुमकुम, हल्दी, धूप दीप, तिल, निष्ठान, मौली इत्यादि अवश्य ही रखें। इन चीजों के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। इसके साथ ही भगवान विष्णु को पीला रंग बहुत ही प्रिय है, इसलिए एकादशी व्रत के दिन पूजा सामग्री में पीले पुष्प, पीला वस्त्र, पीला फल, कलश व आम के पत्ते जरूर रखें। सावन पुत्रदा एकादशी का महत्व। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पुत्र की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में समस्त भौतिक सुख और परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। सावन पुत्रदा एकादशी व्रत करने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके साथ ही ग्रह दोष के प्रभाव भी कम हो जाते हैं। साथ ही पूर्वजों के आशीर्वाद से उनके घर में किलकारियां गूंजती हैं। सावन पुत्रदा एकादशी पर संतान सुख के लिए निर्जला व्रत कर रात्रि जागरण करें और फिर अगले दिन व्रत का पारण करने पर विशेष लाभ मिलता है। दोस्तों कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु की जयकारा लगाना बिल्कुल भी मत भूलना। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी उपयोगी लगी होगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।